थोड़ा सा हम वेलकम सेरेमनी करेंगे, उसके बाद में ब्रह्म सिंह तंवर जी को माइक सौंपेंगे। सबसे पहले हमारे पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता, युवा तुर्क, जन जन के प्यारे, हम सब के दुलारे, और जहां तक जब तक ये विधायक रहे हैं, यथाशक्ति जितना इनसे हो सकता है उससे बढ़ से बढ़ करके इन्होंने आप सबों की सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे, और भाई शंकर सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। नवीन सिंह जी से अनुरोध करेंगे वो प्लीज मंच पर आने का प्रयास करें। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री शंकर सिंह जी से कि आप मुंह देख रहा हूँ, इतनी रात हो गई है छठ को बनाते हुए, कितनी दिनों से तैयारी, अभी और भी एक दो जगह अब जाऊंगा क्योंकि समय। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म सिंह तंवर जी, आपने अपनी जो भी बातें की आपने जनता के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि आपके पास शायद अधिकार आने में तब तक जनता समझ जाएगी सब कुछ, चार साल का वक्त लगेगा अभी, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे जो हो पाता है आप करते हैं, इस बात को मैं मानता हूं। उसमें इनकी घोषणा है कि चार साल नहीं, चार से छह महीने के बाद ही होगा, इनको शायद वो भी वक्त आ रहा है कि 21 से 27 विधायक जो है ना ब्लॉक लिस्ट में चले जा चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा मेरे मित्रों, ब्रह्म सिंह तंवर जी को कितने लोग जानते हैं यहाँ पर, कितने लोग, और कितने लोग ऐसे हैं, आज जरा निश्चित कीजिए कि ब्रह्म सिंह तंवर जी अगर आपके लिए ये पूर्वांचल वासी ऐसे होते हैं कि आप अगर उसके लिए एक कदम आगे बढ़े, महात्मा गांधी जी ये बात बोला करते थे, तो वो शख्स थे बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोले कि क्या खाना खाते हो, डॉक्टरों से टेस्ट कराते हो या वहां टेस्ट कराते हो, खिचड़ी चोखा ला दो उसी से पेट भर जाएगा, लिट्टी चोखा खिला दो उसी से पेट भर जाएगा। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि क्या भोजन मांग रहे हैं, बोले कि भोजन ये 52 किस्म का व्यंजन दोगे इसमें तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट होगा, हम तुमसे मूंग का दाल और चावल मांग रहे हैं, उसी को घोड़ दो खिचड़ी बन जाएगा, हम उसी से भी पेट भर लेते हैं, हम तो कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। आज यही वजह है मेरे मित्रों कि जब अम्बेडकर साहब संविधान लिख रहे थे और संविधान गुम हुआ था तो लिट्टी चोखा और खिचड़ी खाने वाला बिहारी, जब संविधान गुम हो गया था सभी लोग अवाक रह गए, अब कैसे लिखा जाएगा, कैसे होगा इसका सृजन, कहां से होगा। गांधी जी उधर साइलेंट, सभी तक सभी लोग साइलेंट थे बिल्कुल, नेहरू जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नेहरू जी को क्रीस भरी वो जॉकेट भी चाहिए थी दिल्ली से आने के लिए, उनको पेरिस याद आता था ये गुलाब का फूल कहाँ है, लेकिन संविधान में कौन कौन से रिक्तियां दी गई है ये नहीं याद था। वहां कोई अगर खड़ा हुआ तो पूर्वांचल का शेर था बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, कलम निकालो कागज निकालो, मैं बोलता हूँ संविधान लिखो, संविधान लिखाता गया लिखाता गया। अरे हम तो उस मातृभूमि से आते हैं।